बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अपने 5 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब करके 5 लाख सब्सक्राइबर जल्दी से कराएं। 500,000 तो कम्प्लीट हो, 1 मिलियन अभी थोड़े दूर है, बस जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ तो इधर मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नेम आ रहा होगा, जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा, शुक्रिया। जब मैं 18 या 19 साल का था, मतलब मेरा आईडी कार्ड बना ही था ना, आईडी कार्ड बनते ही भाई ने मुझे गाड़ी लेके दी। हालांकि चलाना मैंने बाद में सीखी है, लेकिन भाई ने गाड़ी लेते ही सबसे पहले मेरे नाम करवाई। मैं नहीं चाहता था कि मेरे नाम करवाएं, लेकिन उन्होंने करवाई कि ये तुम्हारी गाड़ी है। तो मतलब बहुत बड़ी बात है, जिस जगह पे हम रह रहे हैं, जिस एरिया में हम रह रहे हैं, जिस इलाके में हम रह रहे हैं, वहाँ एक 18 या 19 साल लड़के के पास अपनी गाड़ी हो, उसके नाम गाड़ी होना, तो ये बहुत बड़ी बात है यहाँ के हिसाब से। तब मोटरसाइकिल से थी ना, बहुत कम कम लोगों के पास होती थी। और भाई जान ने जब ली थी ना तो वो मेरे नाम करवाई थी। मतलब भाई बशर जो है ना, वो जब भी कोई भी चीज़ लेते हैं, वो मोबाइल हो अच्छा या गाड़ी हो या कोई मतलब एक्सपेंसिव चीज़ कोई भी लेते हैं, सबसे पहले मेरे लिए या भाई मुदसर के लिए। लेकिन सबसे पहले वो मेरी तरफ देखते हैं, जैन भाई को, फिर भाई मुदसर। तो अभी आज का जो व्लॉग है वो बहुत खास, अहम, बड़बम होने वाला है, धमाका होगा, धुम धुम ठक ठक चू ठक ठक होगा आज। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ये अपनी जिंदगी का बेस्ट दिन तो नहीं कह सकते, लेकिन बेस्ट दिनों में से एक दिन है। लेकिन बेस्ट दिन जो था ना, वो 2017 दिसंबर में जब पहली दफा खाना काबा को लाइव देखा था ना, वो था। तो होने क्या वाला जी, हमने आज लेनी है जी कार, वो भी भाई बशर के लिए, और वो भी टॉप क्लास कार। हमारे दोस्त का शोरूम है, आपको बताया था मैंने, उससे मेरी बात हुई, उससे पूछा गया, उसने कुछ गाड़ियां रिकमेंड की, टेस्ट ड्राइव भी हमने ली, तो फिर हमने एक गाड़ी फाइनल की हुई है। ये एक राज था, अभी भी ये राज है, हम खुल के बोल रहे हैं क्योंकि हमारे आसपास कोई नहीं है, और घर वालों की नजर में हम जा रहे हैं फ्रिज लेने के लिए। ये तो अभी लेना, कि कौन सी कार लेनी है वो अभी नहीं बता रहे हम आपको, मतलब आपको वीडियो के एंड तक तो पता चलेगा 100%। हमने अम्मी जान से बात की, अबू जान से बात की, बाकी घर वालों से बात की, सवाए भाई बशर के, तो सबने कहा परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ये जी लंडे के चश्मे, नया सूट पहन लिया, कार लेने जाना है ना तो लड़का थोड़ा हैंडसम लगना चाहिए, है कि नहीं? मैं बताऊंगा, पहले जैन इतना एक्साइटेड है ना कि वीडियो रिकॉर्ड करना ही भूल गया था, सारी बातें मैंने कैमरे के सामने कर दी। खैर अगेन मैं बात करूंगा कि जो गाड़ी हम ले रहे हैं SUV है और ऑटोमेटिक है, और ऑटोमेटिक का ये फायदा है कि वो भाभी जो है हमारी, मतलब भाई बशर की वाइफ जो है ना, वो भी ड्राइव कर सकती हैं, वो मैनुअल नहीं चला सकती लेकिन ऑटोमेटिक वो चला सकती हैं। और ये है कि जो बंदा मैनुअल चला के ऑटोमेटिक पे जाता है ना, उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन जो ऑटोमेटिक चला के मैनुअल पे आता है ना, उसे थोड़ी मुश्किल पेश आती है। तो ये सोने पर सुहागा या सुहागे पर सोना जो भी होता है ना, वो हो गया। और दूसरा, गाड़ी जो है वो हमारी तरफ से भाई के लिए गिफ्ट है, तो ये गाड़ी जो हम लेंगे ना, वो भाई बशर के नाम होगी, हम दोनों भाइयों में से किसी के नाम नहीं होगी। कंपनी की होगी और किस कंपनी की होगी वो तो हम जाके बताएंगे ना, इतनी जल्दी नहीं बताएंगे। ये रही जी चाबी, बस इतनी सी आपके हाथ में भी होगी ना तो अनलॉक हो जाएगी। चले से ना गाड़ी, चले आ जाए। ये जी इधर आए ना, ये चीज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये कीलेस। ये रही जी अपनी गाड़ी। मैं चाहता हूँ हमजा भाई इसके बारे में कुछ बताएं, हम थोड़े से अनाड़ी हैं, हमजा भाई खिलाड़ी हैं, तो आ जाए बिस्मिल्लाह करें। ये जो पाकिस्तान में इस टाइम सबसे अच्छी क्रॉसओवर जो SUV है वो किया स्पोर्टेज है, जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है। और जैन भाई को ने मेरे साथ कंसल्ट किया था कि बशर भाई के लिए गाड़ी लेनी है तो कौन सी लेनी चाहिए, तो तीन ऑप्शंस थी हमारे पास, MG, ट्यूसन और किया। तो उसके बाद हमने डिसाइड किया था कि बशर भाई के लिए किया लेंगे, क्योंकि जो उसकी मार्केट वैल्यू है वो सारी गाड़ियों से अच्छी है, इसकी रीसेल वगैरह। और गाड़ी माशाल्लाह जैम पैक्ड है फीचर्स के साथ, मतलब टॉप ऑफ द जो टेक्नोलॉजी है वो इसमें मौजूद है।
बस यही बातों ने ना ये गाड़ी खरीदने में मजबूर किया। पता नहीं कोई टेक्निकल बातें करते, मैंने कहा सही है ना, कहते सही है, मैंने कहा बस सही है फिर। अभी जी हम दूसरे शोरूम पे जा रहे हैं, हमजा भाई की चाचू गई है, वो ज़रा सिटी के अंदर है, तो वहाँ पे जाना है, गाड़ी के पेपर उठाने हैं, भाई मुबशर के नाम होगी तो आई थिंक उनको साथ आना पड़ेगा या ऐसे भी हो जाएगी? हो जाएगी उसके लिए, या एक दफा आना भी पड़ेगा। चलो गाड़ी फिलहाल उनको देते हैं, पेपर साथ ले जाते हैं, जब नाम करवानी होगी हाँ, तो हम आ जाएंगे अगेन। बाकी हमने तो ऑलरेडी चेक की हुई थी किया स्पोर्टेज, हाँ हाँ बड़ी आला चॉइस। अभी हमारे सामने से गुजर के गई है, रोड पे 10 गाड़ियां जा रही हैं ना, तो उनमें एक दो तो 100% किया स्पोर्टेज होती है। किया स्पोर्टेज पाकिस्तान में मार्केट सबसे ज्यादा 9 होती है कि एक होती है? नहीं 9 से भी ज्यादा आप लगाएं कि होती है 10 में से। इंटरवे पे जा रहे हैं ना कभी, अच्छा, जब भी आपको डिपर लगेगा ना पीछे से किया स्पोर्टेज के लगेगा कि उसने आपको डिपर दिया है कि गाड़ी साइड पे कर। सही हो गया, अच्छी मार्केट है गाड़ी की, बहुत रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है गाड़ी। ये सब चीजों को देख के सोच समझ के फिर गाड़ी ले रहे हैं। ये जी 2020 मॉडल है ना? हाँ जी, मतलब एकदम चमका हुआ, जिसके पास पहले थी ना उसने अच्छी तरह से संभाली हुई है। यूज्ड है, ज्यादा यूज नहीं की हुई किसी ने ना, बस कैंट के अंदर चली हुई थोड़ी सी। सही हो गया। इसके ऊपर इधर M टैग भी लगा हुआ है, यहाँ पे मोटर पे वे पे या वहाँ पे जहाँ पे भी रोकते हैं ना बैठे, आपको पता चलता है कि किसी सोफिस्टिकेटेड बंदे ने बड़े प्यार से गाड़ी को चलाया हुआ, जिस इंजीनियर से चलाया हुआ। अच्छा जी, ठीक हो गया। ये नई नई चीजें सीखने को मिलती है कार्स के रिलेटेड, तो मजा आ रहा है जी। क्या ठंडी हवा है, क्या मतलब क्या क्या कहने आपके बारे में सर, आप तो कुछ बोले। मैं यही सोच रहा था कि मेरा रिव्यू जो है वो अभी लिया नहीं गया, अभी हम चलाएंगे ना तभी मजे आएंगे, अब बताएंगे कैसी है ये। अब तक हम चुप हैं। वैसे माशाल्लाह इतनी बड़ी गाड़ी है ना कि आंखों में पूरी नहीं आती ना, वो क्या होते हैं वाइड एंगल का लेंस लगाना पड़ता है। देखें सबसे मजे की बात, पीछे को ठीक है सर, जाए 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 जाए, हाय 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 हाय, अब इस बार है माशो, ये सनरूफ कैसे करने के लिए मजा फायदा जो है ना, ये जो पीछे बैठी है ना ये मेरे ख्याल से स्पेशली उनके लिए बना है। और जब बारिश हो रही हो तो सिर्फ शीशे वाला हो ऊपर, शेड जो है ओए क्या ऊपर से बारिश गिरती हुई खूबसूरत लगेगी। ओए होए होए होए, ये जितनी भी चीजें ना इन्होंने मजबूर किया हमें कि हम ये लें स्पोर्टेज लें। किसी ने सच कहा हुआ जनाब, जितना आप गुड़ डालोगे मीठा उतना ही होगा। तो आज गुड़ डाल के पता चल रहा है कि जी वाकई जी सच कहा हुआ किसी ने जनाब। तो ये गाड़ी जो है ना माशाल्लाह जिसामत में थोड़ी बड़ी है, तो हमजा भाई कह रहे हैं कि सिटी में मैं आपको चलाने नहीं दूंगा, ये ना हो कि कहीं मैंने ठोक दूं मैं। वो अपने लिए नहीं इतना एक्सपेंस करते, किसी भी चीज को लेने का दिल नहीं करता, आपके लिए बात आएगी उसी टाइम ले लेंगे, या भाई मुदस्सर की बात है तो हमारा भी वही है अभी वो गई स्पॉटेज, लेकिन ये पसंद आएगी आपका भाई जान। क्या कहूं, अब मजे ले रहे हैं आप तो पीछे बैठे हैं, ये एसी है इधर, इधर आप चार्जिंग पे भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट चार्जर भी लग जाता है ना, हाँ डायरेक्ट चार्जर भी, कारप्ले भी मौजूद है, एंड्रॉइड ऑटो भी मौजूद है, दोनों मौजूद है, मतलब सब कुछ ही है। कितने एयर बैग हैं? एक तो ये रहा स्टीयरिंग में, दो दैट्स इट। एक तो ये गाड़ी में इतने एयर बैग क्यों कंजूसी के साथ डालते हैं, इतने पैसे भी लेते हैं, मतलब इतने पैसे नहीं है और सिर्फ दो एयर बैग, और अभी ये आए पूरी फरारी बाबा जी, ओहो
क्यों डरा रहे हो मियां? 2000 सीसी इंजन है तो फिर पिक तो उसी हिसाब से होगी गाड़ी। कितने सेकंड में 100 पे जाएगी? कितने सेकंड में? रोड अभी काबिल नहीं कि इस पे चेक किया जाए। नहीं मतलब अंदाजन को 4 मेरे साथ मेरे हिसाब से 4-5 हां ज्यादा से ज्यादा 4-5 में जाएगी जिस हिसाब से जाती है ना भाई साहब जाएगी इतने में। मुझे ना अपने लिए मैं अगर लेता ना तो मुझे इतनी खुशी नहीं हो सकती थी जितनी मुझे अभी हो रही है कि मैं अपने बड़े भाई के लिए, मैं और भाई मुदस्सर जो है अपने बड़े भाई के लिए कार ले रहे हैं। अपने लिए लेता 1% भी इतना खुश नहीं होता जितना अभी मैं खुश हूँ। मतलब क्या बताऊँ यार मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ, नाच नहीं सकता मैं, नहीं तो नाच के दिखा दूँ आपको मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ। एक तो पता नहीं ये लोग ना मुझे कार चलाने नहीं दे रहे। ठीक है जनाब कोई बात नहीं, अभी हम कार लिए माशाल्लाह तो सबका मुंह मीठा करवाना तो बनता है ना, तो मिठाई लेने के लिए जा रहे हैं घर वालों के लिए भी यहाँ से ले जाएंगे और फिजान भाई लोगों को भी खिलानी है। इसके अलावा तो कोई डिमांड नहीं है ना आपकी? नहीं कोई और क्या, बहुत अच्छे हैं आपकी ये बात मुझे बहुत पसंद आई, ऐसे होने चाहिए। आपको क्या लगता है कि आपकी जान इतनी जल्दी छूट जाएगी? नहीं जैसे आपने बात किया लड़का खुश हो गया कि मतलब वो इसलिए किया है क्योंकि अभी आपको जल्दी है। हाँ ये भी है, हमें जल्दी जाना है, जल्दी गिफ्ट मतलब सरप्राइज देना है। हाँ। तो जल्दी जल्दी निकल रहा है हमें। नहीं तो उसे कहते हैं पार्टी, तो आपको पता इस गाड़ी की तो पक्की सी बात है। नहीं अगर आज डिले हो गई तो फिर गई बात ना, ना, ना रात गई बात गई वाला फॉर्मूला यहाँ नहीं अप्लाई होगा। ठीक हो गया सर कोई मसला नहीं। एक बर्फी एक गुलाब जामुन, एक 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 किलो बर्फी एक किलो गुलाब जामुन। हाँ आप क्या लेंगे? आप क्या लेंगे? मुझे ना ये सारे जूसी जूसी लग रहा है ये। एक मिनट देखिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो। क्या मुबारक? बिस्मिल्लाहिर्रहमान और मुझे भी बहुत बहुत मुबारक हो। मतलब भाई के वालद साहब ने शोरूम डाला है और हमने इनसे कार ली है, कार माशाल्लाह ज़बरदस्त है। अगर आपको भी किसी किस्म की जापनीज कोई वहाँ से इम्पोर्ट करवानी हो, जापान से किसी किस्म की भी कार चाहिए हो तो ये हमजा भाई के वालद साहब का नंबर है, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। कार्स के रिलेटेड आपको कुछ भी जानना हो, कार लेनी हो तो। अच्छा लगा आपके साथ काम करके, थैंक यू सो मच। अभी हमें इजाज़त दें और हमारी जो एक करोला है वो तो अभी नहीं चलाएंगे ना, नई गाड़ी ली है तो फिर तो अभी तो बनता भी नहीं। हाँ तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर उधर चक्कर लगे आज की है कल की डेट में तो वो पहुँचा दो इंशाल्लाह। आज शाम को पहुँचा चलाएगा कौन? मैं वो जाओ यार अभी नहीं चलाएगा, चलाएगा से पैसे दो साढ़े वापस। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है जी, कभी नहीं सोचा था कि ऐसी गाड़ी होगी और मैं चलाऊंगा करोला का, नहीं सोचा था, ये सब अल्लाह पाक का करम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ क्या हुआ? पीछे सेंसर है ना, इसके दो सेंसर आगे हैं दो पीछे हैं, ड्रोन वाले। हाँ ड्रोन वाले मतलब वो वार्न कर देगा कि भाई साहब आप खतरे में हैं। ये जी डी ड्राइव। बिस्मिल्लाह अल्लाह पाक खैर खैरियत से पहुंचाना। ये वाइपर के वो फंक्शंस हैं, ये आप गिनते लगे तो बहुत दूर जा रही बात। और वहाँ पे वो लाइट के फंक्शंस हैं, ये तो हर गाड़ी में होता है। और आगे से ये बंदे अचानक हमारी साइड से आ गए हैं तो अब वो रिक्शे वाले का कसूर निकाल रहे हैं, तो हम भी बच गए वो भी बच गया। तो अभी नई कार लेके जा रहे हैं और लड़ने लगे। इसका उसने कहा कि तुमने रक्षा यहाँ पे क्यों खड़ा किया? इधर जिसकी नई कार है उससे पूछे उसकी हालत क्या है। चलो निकलो नई कार है निकलो। अल्लाह का शुक्र है यार, बड़े टिच टाइम पे मैंने इतना बड़ा सीन रिकॉर्ड किया। लेकिन सीन नहीं कार, कार हाँ फिलहाल क्योंकि वो मोटरसाइकिल वाले ने भी हमारी तेजी से आ रहा था। और कार पे बैठे हो ना फिर आपको पता चलता है कि बाइक्स वाले कितनी गलतियां करते हैं बाइक चलाते हुए। हाँ जी आया स्वाद फिर यमिया। लेकिन डर भी लग रहा है। नहीं कोई नहीं, ऐसे लगता है जैसे मैंने शुरू से चलानी शुरू की। नहीं एक दो दिन आप चलाएंगे ना तो सेट हो जाएंगे इंशाल्लाह। नई गाड़ी है ना तो लगता है
प्लानिंग? हाँ जी जी, ये सामने रहा हमारा नया घर। सो क्या प्लानिंग है भाई? तो होंगे पुराने घर, तो गाड़ी हम वहीं ले जाते हैं किचन में, ठीक है? और अगर वो सामने ना हुए, अगर हुए तो फिर तो पता चल जाएगा। तो अगर मेरा दिल कुचो कुचो कुचो, अगर अंदर हुए तो मैं जाऊंगा अंदर और यहाँ तो उनकी आंखों पे कपड़ा बांधूंगा, ठीक है? या फिर हाथ रख के लेके आऊंगा, मतलब उनको पता नहीं क्या ले आए हैं, क्या हो क्या गया है, ऐसा ही हो। ये जी, नए घर की बजाय पुराने घर की तरफ जाती हुई हमारी कार। ये घर पे मिठाई का डब्बा आपने पकड़ा होगा बाइक के ना, पट्टी खोलते ही साथ में गाड़ी आगे, मिठाई नहीं मिठाई आगे करनी है, ठीक है? ये उठाना है, ये हैंड ब्रेक है, बस ऐसे ही उठाना है। चल यार, मेरे तो हाथ कांप रहे हैं सच में। अरे यार आ भी जाओ, हम बातें करते हुए आ रहे हैं। अब क्या सीन है, मैंने कहा आप खड़े होंगे? ये स्पेशल मिठाई लेके आया है, किस चीज की? मुबारक हो आपको नई गाड़ी। दुपट्टा गले से उतारने हम तो आपको पता है हमारा काम ही घूमना है। ये ले वो देखे बिलाल बाबा की गाड़ी आई भाई जान, सुन ही नहीं रहे अब तो। ये इसकी चाबी, हाँ जाएंगे ये बाबा, बड़े बाबा लेके जाएंगे आपको। कैसी लगी पहले ये तो बताओ, कितनी अनमोल है। हाँ जी अबू जी, लाइट्स ऑन थी इसकी, क्या इसकी इसकी ये कि आप चलाएंगे आप माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लगेंगे, वाइट वाइट पे वाइट सूट करेगा। टेस्ट ड्राइव तो लें, नेगर लेके चलते हैं। ये बिला मिठाई, ये मिठाई है, वाह। दे अम्मी जान को, घर पे भी दे सबको। हूं तुसी प्यार ना फड़ के नानू ब्रेक कुट के ब्रेक इको पैर नाल ही, तुसी खब्बे नहीं छेड़ना, बटन दबा के पिछे करो एक बारी बस, एक टिक एक टिक दे रिवर्स, हूँ वो कैमरा आ गया उ, ठीक हो गया। ब्रेक तुम छड़ना तो इन्हें तुर पैना, रेस से पैर कर लो, जिन्नी रेस देंदे जाओगे उन्नी तुर पेगी। अबू जान ने मैनुअल चलाई हुई है ना, तो ठीक हो गया, तो उस वजह से अबू जान को थोड़ी परेशानी पेश आ रही है भाई, बशर तो हुड़ हुड़ करके चलाएंगे। ये जी गाड़ी आ चुकी है अपनी घर, वाह जिंदाबाद। अब जान समझ गए हैं, गाड़ी की खुशी जो है वो अपनी जगह पे है, पर आप लोगों ने मेरे लिए इतने पैसे नहीं लगाने चाहिए थे, तो वो मिला जुला जुला रुझान हो चुका है। इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं कम मोहब्बत करता हूँ इन दोनों से, ये मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तो मोहब्बत जो होती है ना ये अनमोल होती है, ये सारी चीज़ों से बढ़ के है, तो वो कहीं ना खुशी अपनी जगह है, इसमें कोई शक नहीं है कि खुशी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब छोटों के पैसे लगते हैं तो बड़ों को फिर वो भी तकलीफ होती है, वो अपनी जगह पे है। हमारे पैसे आपके तो वैसे ही है, वो तो है कोई मसला नहीं, लेकिन मैं किन अल्फाज में आप सब का शुक्रिया अदा करूँ, जैन भाई का, मुदसर भाई का,
किन अल्फाज में शुक्रिया अदा करूँ, अल्फाज नहीं है, भाइयों को शुक्रिया नहीं कहते ना। अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम फरमाए, फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप सबको दोनों जहानों की खुशियाँ अता फरमाए, अल्लाह ताला आप सब पर करोड़ों रहमत नाजल फरमाए। बहुत सारी दुआओं के साथ मुदसर भाई को, जैन भाई को, मुबशर सदीक को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और ये जो मोहब्बत है ना, यही सारा कुछ है। मोहब्बत है ना जिस घर में, सलूक है जिस घर में, उस घर में सब कुछ है। और मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूं कम है कि ऐसी फैमिली मुझे मिली है, ऐसे भाई मिले हैं, सारे रिश्ते सब मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।